Greetings students, today we will start our exercise 3.5. 210 green, 252 red and 294 orange balls are equally distributed among some students so that no ball is left. इन्होंने कहा है 210 green, 252 रेड बॉल्स, 294 ऑरेंज बॉल्स, ये बराबर बराबर बांटी गई है कुछ बच्चों में कि कोई भी बॉल बाकी ना बचे. व्हाट इज द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द बॉल्स. वो कह रहे हैं कि किस बच्चे के पास सबसे ज्यादा बॉल आई है. जब बेटा बिगेस्ट दे रखा हो या ग्रेटेस्ट दे रखा हो तो आपने एच सी एफ फाइंड आउट करना होता है. सो हम क्या लिखेंगे, we need to find out HCF of 210, 252, 294. अब आपको यहाँ तीन नंबर दिया हुआ है. तीन नंबर के लिए आपको पहले दो नंबर का HCF निकालेंगे. 210 से 252 को डिवाइड किया हमने, इसका हमारा आया 42. फिर 42 से हम 294 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 7. अब हम क्या लिखेंगे, HCF हमारा कौन सा होगा बेटा, 42, यानी ये वाला. ये जो आता है सेकंड का जो हमारा लास्ट डिविजर होता है वो हमारा आंसर होता है. तो HCF इसका 42. तो हम क्या कह सकें, दस द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट द बॉल्स आर 42, यानी 42 स्टूडेंट्स को जो है सबसे ज्यादा बॉल्स मिली हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दिया हुआ है सौम्या के पास 12 सैंडविचेस हैं, 15 कुकीज है, शी वॉन्ट्स टू पैक दैम टू मेक आइडेंटिकल रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस, और वो इनको बॉक्सेस में पैक करना चाहती है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट शी कैन पैक. अब इसमें भी बेटा ग्रेटेस्ट हमें निकालना है तो इसमें भी हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो HCF हम किसका फाइंड आउट करेंगे, 12 एंड 15 का. 12 स्मॉलेस्ट नंबर बाहर रखा, बिगर अंदर रखा. तो 12 वन 12, 15 माइनस 12 3 आया, 3 से हमने इसको डिवाइड किया. आंसर इज HCF इज 3. Thus, the greatest number of boxes that she can pack is 3. Next question. A bus service center has two feed services that start together at 8 a.m. अब वो कह रहा है 8 a.m. पर जो है एक बस की दो services start होती है. वो कहते हैं बस ए, बस ए लीव्स करती है 15 मिनट के अंतर पर, और बस बी जो लीव करती है वो 20 मिनट्स के इंटरवल पर करती है. तो ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन, हाउ मेनी टाइम्स डू बोथ सर्विसेज लीव टुगेदर फ्रॉम 8 एएम टू 11 एएम. तो वो कब जो है इकट्ठा लीव करेगी. अब हम इसको देखेंगे. टू फाइंड द टाइम एट विच द टू बसेस लीव टुगेदर वी नीड टू फाइंड एलसीएम. तो हमने 15 और 20 का यहाँ हमने एलसीएम निकाला. अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर 2 से. 2 से 15 एज इट इज आएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होता. 2 टेन्स आर 20. अगेन 2 से करेंगे 15 एज इट इज, 2 फाइव आर. फिर 15 और 5 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से करेंगे. 3 फाइव आर 15, 5 एज इट इज. फिर 5 से करेंगे, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5. इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 60 मिनट. अब हम 60 मिनट को, हमारा ये पता है हमें कि 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 आवर के बराबर. तो हम लिखेंगे सो बसेस लीव टुगेदर आफ्टर एवरी 1 आवर. जो बस है वो जाती है हर एक घंटे के बाद. सिंस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 8 एएम टू 11 इज 3 आवर्स, यानी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ बेटा, 3 आवर्स. कैसे, 8 टू 9 1 आवर, फिर 9 टू 10 2 आवर, 10 टू 11 3 आवर्स. सो द बसेस विल लीव टुगेदर 3 टाइम्स. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी फर्दर सेपरेटेड इनटू ग्रुप 5 13 17. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बेटा जब हमें स्मॉलेस्ट निकालना हो तो आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, 5, 13 और 17 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ये 5, 13, 17 2 की टेबल से नहीं होता, हमने 3 में देखा, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता. तो हम आए 5 से, 5 वन जा 5, 13 एज इट इज, 17 एज इट इज. फिर 13 के टेबल से किया, फिर 17 के टेबल से किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 1105. दस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1105. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Rita goes to a shopping mall every 64 days. Archana goes to the same shopping mall every 72 days. After how many days will they meet each other in the mall? अब हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एलसीएम किसका, 64 और 72 का. तो हमने यहाँ पर इसका एलसीएम फाइंड आउट किया. अब 64 को 2 से डिवाइड किया 32, फिर 72 को 2 से डिवाइड किया 36, 32 को 2 से किया 16. आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 16 की टेबल में 2 पे आता है 32, 16 टू जा 32, 18 टू जा 36. फिर 2 से हमने 16 को डिवाइड किया 8, 2 से 8 को डिवाइड किया 9, फिर 4, 9 एज इट इज. फिर 2 से किया 2, 2 जा 4, 9 एज इट इज. फिर 2, 1 जा 2, 9 एज इट इज. फिर 3 से 1 का 1, और फिर 3, 3 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 3 जा 9. फिर 3 से किया, फिर 1, फिर 1. अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया 576. Thus both of them meet each other after 576 days. Thank you. Have a nice day.